स्टूडेंट्स, टुडे इन द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर विल कंटिन्यू विद द इंटरनल एनर्जी। सो इट इज़ आवर न्यू टॉपिक टुडे, इंटरनल एनर्जी। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। देखो क्या होता है इंटरनल एनर्जी, कि हमारे पास हर चीज़ कुछ भी हो दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। कोई भी चीज़ जैसे चॉक होल्डर है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। तो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। और कोई भी सब्सटेंस होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं। कैसी एनर्जी, जैसे देखो एटम्स होंगे, ये एटम वाइब्रेट भी करेंगे, दैट इज़ नोन एज वाइब्रेटरी एनर्जी। ये अपनी पोजिशन पर ट्रांसलेट भी करेंगे, ट्रांसलेटरी एनर्जी। ऐसे ही इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, बहुत टाइप की, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर पोजेस्ड बाय द सब्सटेंस। हर सब्सटेंस के पास लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन इट विल गेन द थर्मल एनर्जी ऑल्सो। सो लार्ज नंबर ऑफ दिस सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी। मीन्स वट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के पास जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब के सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होगा, यू। ऑल्दो कुछ बुक्स में इसको ई से भी शो किया गया है, बट यू इज अ मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल फॉर द इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय एनी सब्सटेंस एंड द सिंबल इज यू। बट हेयर वन प्रॉब्लम इज दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि देखो हमने अभी लास्ट जो हमारा वीडियो था वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हम थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब द प्रॉपर्टीज़ विच आर लिंक्ड विद द एटम और मोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पर जो आपके पास सम ऑफ एनर्जीज है वो किसकी है, एटम के लेवल पर आ गई। और हम थर्मोडायनेमिक्स में जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते तो हम एग्जैक्टली किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कांट कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी सब्सटेंस। टोटल एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी एक्यूरेटली और एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड बाय एनी मेथड बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा चेंज, कि किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है हम उसको मेजर कर सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, जैसे मेरे पास मान लीजिए कितने रुपए हैं मेरी पॉकेट में, कितना मनी है, आई डोंट नो, मीन्स आई नो बट यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि कितने पैसे हैं, ठीक है, मुझे पता है। बट अगर मान लो कोई आपके सामने मुझे 10 रुपीज दे तो क्या आपको पता लगेगा, यू नो कि मेरे पास जितना भी हो अब उसमें चेंज आया है, क्या चेंज आया है कि 10 रुपीज़ इंक्रीज हो गए हैं, या फिर मैं अपनी पॉकेट से निकाल करके किसी को 100 रुपीज़ दे देता हूँ, इट मींस आपको पता क्या चला, चेंज, क्या चेंज, कि 100 रुपीज़ कम हो गए हैं। ऐसे ही हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा यू। फॉर एग्जाम्पल ये चॉक होल्डर है, आई डोंट नो इसके पास कितनी एनर्जी है, बट अगर मैं इस पर 1 जूल वर्क करता हूँ तो इसकी कितनी एनर्जी बढ़ गई, 1 जूल एनर्जी बढ़ गई। मैं देखो वर्क को हम जूल में लेते हैं, कितना जूल काम करेंगे उतनी जूल एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप इसको हीट करो, हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। कितना आपने इसको हीट किया, कितने टाइम के लिए हीट किया, उसके अकॉर्डिंगली इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि हमारे पास केवल एक ही मेथड है, हम डेल्टा यू को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द हीट गिवन प्लस वर्क डन। आप किसी भी सब्सटेंस पर जितना वर्क करोगे और इतनी हीट दोगे उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और वही आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ये जो आपके पास सिंबल्स हैं पॉजिटिव ही हों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेल्टा यू,
आपकी आपका सब्सटेंस मान लीजिए आपका सिस्टम, अब हम सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम होता है। आपके सिस्टम जो है वो एटमॉस्फेयर से बहुत गर्म था, जैसे मैं कहता हूँ कि चलो एक आपके पास हॉट कॉफ़ी है और वो हॉट कॉफ़ी पड़े पड़े क्या ठंडा हो गई, तो उसने क्या किया हीट को रिलीज़ किया, तो फिर वहाँ पर आप डेल्टा माइनस क्यू लिखोगे, कितनी हीट रिलीज़ हुई, वो उसकी एनर्जी से कम हो गई। और अब उस मीन्स किसी सिस्टम और मतलब चाहे सिस्टम वही हो, मान लो क्या करते हैं उसी कॉफ़ी में आप ज़ोर से ना स्पून को हिलाओ, तो आपने क्या किया उसमें वर्क किया, उसकी वजह से कुछ एनर्जी बढ़ेगी, हीट की वजह से नेगेटिव हो गई, बट आपने उसमें स्पून को लगातार घुमाया वो भी एक वर्क होता है, उससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जितना वर्क करोगे वो आप प्लस कर दोगे, जो नेट रिजल्ट आएगा उतना चेंज आएगा। अब वो चेंज अगर डेल्टा मीन्स माइनस क्यू इज़ मोर देन W, तो चेंज क्या है वो नेगेटिव आएगा, मीन्स एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ अगर हीट कम रिलीज हुई बट आपने मोर वर्क किया तो चेंज किस में आएगा, प्लस में आएगा। और ज़रा ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए दो ही मेथड हैं, या तो आप सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करो या उसको कुछ हीट दो, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी चेंज को काउंट कर सको, ठीक है। और ये जो हमने सिस्टम में निकाला है फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये यहाँ पर लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी, मास एंड एनर्जी, इसको भी फॉलो करता है। वो कैसे, देखो वही हुआ, आपने जितनी हीट दी और जितना वर्क किया उतनी ही इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, आपकी हीट कहीं नहीं गई, आपका वर्क कहीं नहीं गया, वो किस में चेंज हो गया, डेल्टा यू में चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसमें इंक्लूड हो गया। मीन्स ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यहाँ पर फॉलो करेगा कि मीन्स यू कैन मीन्स किसी, हम किसी भी एनर्जी को, किसी भी चीज़ को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओनली उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो हमने जब हीट दिया किसी सब्सटेंस को, कुछ वर्क किया तो वेस्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं गया, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आ गया, ठीक। अब जरा ध्यान देना यहां पर, ये जो अगर आप केवल हीट दो, तो जो केवल ओनली हीट दिया आपने, मान लो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, अगर हीट दी तो केवल क्यू, अब जितनी हीट दोगे उतना ही इंक्रीज होगा और डेल्टा यू की वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव, बट डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर ये सिस्टम हीट रिलीज करे, ठीक है। अगर देखो ऐसे लिखता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है। ऐसे ही अगर सिस्टम, अब देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, अगर ऐसे ही सिस्टम, देखो यहाँ पर होता क्या, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कैसे आएगा, दो बातें होती हैं। एक चीज़ तो क्या है, जैसे ये सिस्टम है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम क्या है, ये एक पिस्टन ही है, पिस्टन को भी हम सिस्टम मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गैस भरी हुई है। अब दो बातें हैं, पहली चीज़ ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करे, ये सिस्टर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रही है, तो आपका वर्क कैसा आएगा, देन वर्क विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अब सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पिस्टन था, सॉरी नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पिस्टन था और कुछ देर के बाद ये पिस्टन ऊपर आ जाए, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया। और इस कंडीशन में अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करे तो हम वर्क को नेगेटिव बोलते हैं, ज़रा ध्यान रखना। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लेना है, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगर सिस्टम को हम कुछ हीट दे रहे हैं तो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन अगर सिस्टम हीट दे तो वो क्या होगी, नेगेटिव। जैसे कि हमने बात की कि एक हॉट वाटर बॉटल है, आपने रखा हुआ है उसको, हॉट है तो क्या होगी, कुछ टाइम पर ठंडी हो जाएगी, उसने हीट को रिलीज़ किया, यहाँ पर जो आपके पास हीट का जो आएगा, क्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही मान लो ये आपके पास एक चॉक होल्डर है, मैं इसके ऊपर इस तरीके से वर्क करता हूँ, तो अब जो वर्क किया पॉजिटिव है, दैट वर्क इज़ पॉजिटिव, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया है, ठीक है वही बात।
तो ये हमारे पास आज हमने स्टार्ट किया था इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द एनर्जीज पोजेस्ड बाय द टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय एनी सिस्टम और एनी सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एक्यूरेटली, बट व्हाट वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. एंड हाउ वी कैन मेजर दिस चेंज? By knowing how much heat has been given and how much work has been done by the system on the surrounding on the system. ठीक, आप देखो इसके regarding एक दो numericals हैं, वो मैं करवा करके फिर इस topic को यहाँ पर finish करता हूँ. जैसे एक question दिया हुआ है यहाँ पर, first ही numerical है, यही numerical करवाता हूँ, बाकी आप लोग try करना करने के लिए. Numerical is, in a process 701 joule of heat is absorbed by system. कितनी heat है? Heat is 701 joule. ये क्या कहता है कि एक सिस्टम ने 701 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया. इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी मिली है, हीट मिली है, प्लस में जाएगा. एंड 394 जूल ऑफ वर्क कितना है आपके पास? W वर्क इज 394 जूल. 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अब ये सिस्टम ने वर्क किया है, इसका मतलब ये किस में जाएगा? नेगेटिव में. क्योंकि अगर तो सिस्टम पर वर्क होता वो पॉजिटिव है, अब क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है इसको हम नेगेटिव लेंगे. व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस? कि इस प्रोसेस में कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में? तो देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो डेल्टा यू, यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया? क्यू कितना है हमारे पास? Q is 394, Q तो हीट हो गई, दैट इज 701 जूल. ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि हीट सिस्टम को दी गई है, प्लस वर्क. अब देखो मैं इसको नेगेटिव में लूंगा क्योंकि वर्क जो है वो सिस्टम ने किया है सराउंडिंग पर, तो इसका मतलब ये पूरा नेगेटिव आ गया. और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आना चाहिए? 200 कितना होगा ये? 307. द आंसर इज 307 जूल. प्लस 701 माइनस 394 इज इक्वल टू 307 जूल. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर हमने इसके लिए यहाँ सब कुछ हो चुका है, बाकी चीज़ें सब हमारी, हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें आज इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं. ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, इसको भी हमने सोल्व कर लिया है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इंटरनल एनर्जी की एक दो पॉइंट्स है वो, और उसके साथ में एक एंथैल्पी है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. थैंक यू.